हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियास हेल्दी किचन। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चटनी और उसको हम सर्व करेंगे 3 डिफरेंट स्टाइल में। इसे बनाना जितना आसान होता है, खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है। जिस भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर दो, उसी का स्वाद ये बढ़ा देता है। तो चलिए फिर बनाते हैं ग्रीन चटनी और उसको सर्व करते हैं 3 डिफरेंट स्टाइल में। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है ये धनिया पत्ता, इसे अच्छे से धुलकर साफ कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे ये 4 लहसुन और ये 2 हरी मिर्च। और अब इसमें डालना है मुझे ये 1/2 चम्मच नमक। और अब इन्हें अच्छे से हम पीस लेते हैं। तो मैंने इनको अभी थोड़ा ही पीसा है, इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम मिलाएंगे अभी नींबू। तो इसमें मैं ये 1/2 नींबू निचोड़ के मिला देती हूँ। काफ़ी रस निकल चुका है, तो अब इसमें और ज़्यादा नहीं डालना है, इतना नींबू ही हम इसमें डालेंगे। तो ये नींबू डाल दिया मैंने, अब इसे फिर से अच्छे से अब चटनी बना लेते हैं इसको पीस कर। तो ये मैंने चटनी पीस लिया है, इसको अब हम इसमें कटोरे में खाली कर लेते हैं। मैंने इस बाउल में जो धनिया पत्ता पीसा था वो खाली कर लिया, पर ये अभी सर्व करने के लिए रेडी नहीं है। तो चटनी को क्योंकि मुझे 3 डिफरेंट स्टाइल में सर्व करना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ले लेंगे सिर्फ चटनी के लिए, जिसे कि चावल दाल के साथ सर्व किया जाता है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे सरसों का तेल 1/2 चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा, ये 1/2 चम्मच सरसों का तेल है। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये रहा ग्रीन चटनी, चावल दाल के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप इसे एक बार चावल दाल सब्जी के साथ ज़रूर ट्राई करिए, खाने में 4 चांद लगा देता है, ट्रस्ट मी। और अब हम बनाएंगे की चाट के लिए ग्रीन चटनी, तो चलिए बनाते हैं फिर। तो टिक्की चाट के लिए ग्रीन चटनी बनाना है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा चटनी ले लिया है। और अब इस जार में मैंने पानी रखा था 1/2 कप के करीब, तो वो 1/2 कप पानी इसमें हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2-4 बूंद, इसमें डालेंगे हम नींबू, बस, क्योंकि नींबू पहले भी डाला था पर इसमें पानी मिलाया है, तो थोड़ा सा खट्टा इसको और करना था। और अब इसमें डालेंगे ये 1 पिंच काला नमक। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये रहा आपका टिक्की चाट वाली चटनी तैयार है। इसको आप टिक्की चाट में यूज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है चाट खाने में इसके साथ। तो ये रहा हमारा टिक्की चाट वाला चटनी, और ये रहा हमारा चावल दाल के साथ खाने वाला ग्रीन चटनी। और अब हम बनाएंगे बिरयानी चटनी। तो बिरयानी चटनी बनाने के लिए मैंने ये दही रखा हुआ है फेंट कर, तो इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच दही फेटा हुआ। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये रहा आपका बिरयानी चटनी बिल्कुल तैयार। तो ये रहा ग्रीन चटनी, ये टिक्की चाट वाली चटनी, और ये बिरयानी चटनी। तो देखा आपने, एक ग्रीन चटनी को हम 3 डिफरेंट स्टाइल में यूज़ करके इसको अलग अलग रेसिपीज़ में इसका मज़ा ले सकते हैं। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए।